अब सबसे पहले मैं आगे सबसे पहले बोलना चाहूँगा किराया कम किया गया है, इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि आपको देना चाहूँगा। हमारे पास जो हमारी न्यू लगेज पॉलिसी थी, ये पिछले साल नवंबर में इसका हमने कोई इशू किया था इसको, इसमें 32 कैटेगरीज थी और इस संशोधन में हमने मात्र एक कैटेगरी को, कैटेगरी नंबर 26, जिसमें सिर्फ केवल मेडिकल अप्लायंसेज, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, कॉस्मेटिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, होजरी आइटम्स जो कमर्शियल पर्पस के लिए कई बार ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, उसके बारे में ये संशोधन था। इसके अतिरिक्त कोई अदर जो 31 कैटेगरीज हैं वो अनअफेक्टेड हैं। तो सबसे पहली चीज मुद्दा उठा था कि पर्सनल आइटम्स, स्कूल की बच्चों के बैग और महिलाओं के बैग्स, प्लीज वो बिल्कुल भी इससे बिल्कुल अनअफेक्टेड है, उनको हमने छुआ नहीं है और ना छुएंगे, बहुत क्लियर बात। अब दूसरी सवाल है कि चेंज क्या किया, तो मैं सबसे, आपने बोला रेट बढ़े हैं कम हुए, रेट कम हुए कैसे हुए वो मैं आपको स्पष्ट करता हूं। ये सारे आइटम दो तरीकों से, इस श्रेणी का विभाजन हमने दो में किया है, विद पैसेंजर यात्री के साथ, या यात्री नहीं गया और उसने उसको कुरियर सर्विस की तरह यूज किया था उसको। तो पहले मैं बात करूंगा विदाउट पैसेंजर। पहले क्या था, 0 to 40 kgs अगर आप इनमें से कोई आइटम भेजना चाहते थे तो आपका एक टिकट के बराबर आपको प्राइस देना पड़ता था। आप यहां से दिल्ली कोई मेडिकल अप्लायंस भेजेंगे तो 1 ticket प्राइस आपको देना पड़ेगा। हमें ये फीडबैक लोगों से आया है कि सर चाहे मैं 2 kg का भेजूं या 40 kg का भेजूं, आप सेम प्राइस चार्ज कर रहे हो, तो जो छोटी मात्रा में भेज रहा उसके लिए कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है। हमने उसको तर्कसंगत पाया और हमने उसमें एक बदलाव लाया इस संशोधन के माध्यम से। हमने क्या किया, हमने बोला 0 to 5 kgs 1/4 मतलब 1/4, 6 to 20 kgs हाफ, और 20 to 40 हमने उसको 1 पे ही रखा। प्राइसेस बहुत क्लियरली हमने कम किए, एक श्रेणी के लिए तो 75% कम और एक श्रेणी के लिए 50% कम, इतना हमने प्राइसेस कम किए। तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर है। और जो विद पैसेंजर भी अगर कोई कमर्शियल रीजंस के साथ इसको कैरी कर रहा है तो उनके लिए 0 to 40 kgs में आधा टिकट लगता था सिर्फ, और दिस इज ओवर एंड अबव उनका जो पर्सनल आइटम्स हैं 30 kgs का तो है सबके पास में, उसको भी हमने 0 to 5 kgs में हमने उसको 1/4 किया, ठीक है। तो उसमें भी हम चेंज लाए, 5 to 40 उतना ही रहा हाफ। तो ये अगर आप इसको पूरी अच्छी तरह से, जैसे मैंने कहा है, तो प्राइसेस बड़ी क्लियरली गिरे हैं, सिर्फ इन आइटम्स तक सीमित हैं, बाकी कोई आइटम भी इससे अफेक्टेड नहीं है। जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें आपको क्या लगता है कि असमंजसता की स्थिति क्यों पैदा हुई, क्या कारण रहा? मैं यही कह सकता हूँ कि मैंने कुछ सोशल मीडिया में जो मैंने स्टडी किया, तो हमने काफ़ी समय उस पर भी, कल खुद भी हमने काफ़ी लोगों को अपना रिस्पांस दिया और अपनी क्लैरिफिकेशन इमीडिएटली दी, और क्लैरिफिकेशन से बात काफ़ी क्लियर हो गई। बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आइटम्स का नाम बड़ा क्लियरली लिखा हुआ था, तो थोड़ा हमें भी समझ नहीं आया शुरुआत में ऐसा क्यों हुआ, अब क्यों किया वो, उसके बारे में वो हमारा कंसर्न इतना नहीं है। हमारा ये है कि यस, अगली बार हम और डिटेल्ड करेंगे, पर हमने, क्योंकि हमने प्राइसेस कम किए थे तो हमने नहीं सोचा था कि इसमें कुछ ऐसा इशू होगा, बट हमने स्पष्टीकरण एकदम से दे दिया और मुझे लगता है अब बहुत क्लियर हो गया। सर, फेस्टिवल सीजन है, क्या कुछ तैयारियां आ रही है? फेस्टिवल सीजन, दिवाली तो है, आप सब लोगों को भी मैं एडवांस में शुभकामनाएं देता हूँ। और दो दिन पहले 29-30 को हमारी 100 स्पेशल बसेज चलेंगी जो हमेशा चलती हैं, जो दिल्ली, चंडीगढ़ और जो अन्य केंद्रीय स्थान है वहाँ से हमारे सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को चलती हैं, और दिवाली होने के बाद फिर उनको वापस ले जाती हैं। तो वो हर साल की तरह इस साल भी होगा। अब अगर आप 22-23 के आंकड़ों की तुलना 23-24 में पिछले वित्तीय वर्ष में करें तो हमें लगभग 1.5 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ, जो लगभग 30% है। ये तो सिर्फ एक वर्ष में हुआ। हम आशा करते हैं कि प्रगति का दर इतना ऐसे ही चलता रहे, तो हमारे लिए एक राजस्व कमाने का एक अतिरिक्त स्रोत पैदा हो गया।